एक बार पुनः भागवत ज्ञान बरसेगा, फिर बहेगी वही अविरल धारा, तो कृष्ण कृष्ण की धुन से गुंजायमान हो जाएगा वातावरण सारा। भक्ति की अलख जगाने, कृष्ण प्रेमियों को प्रभु का दर्शन कराने हेतु विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भव्य एवं विशाल श्रीमद् भागवत कथा में भागवत को अपने रोम रोम में बसाने एवं इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने हेतु आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बैतूल जिला अस्पताल में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 3 बच्चों की मौत हो जाने के मामले में परिजनों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। तीनों बच्चों की डॉक्टरों द्वारा प्रयास करने के बाद भी जान नहीं बचाई जा सकी है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, दो प्रसूताओं ने बच्चियों को और एक प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। तीनों बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती थे। शुक्रवार की रात एक बच्चे के शरीर में हलचल न होने के चलते जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि गलत तरीके से स्तनपान कराए जाने के कारण दूध बच्चे की श्वास नली में फंस जाने के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं शुक्रवार की सुबह बाड़ में जब डॉक्टर बच्चों का चेकअप कर रहे थे, इस दौरान दो बच्चियों के शरीर में हलचल न होने के कारण उन्हें देखा गया तो ये दोनों बच्चियाँ भी मृत पाई गयी। कुछ ही घंटों के दौरान तीन बच्चों की मौत हो जाने के कारण अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया कि बच्चियों की माताओं द्वारा बच्चियों को ठंड से बचाने के लिए पूरी तरह कंबल से लपेट दिया गया था और श्वास रुकने के चलते उनकी मौत हो गई। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जिला स्थल बैतूल में अगर हम आज भी देखें, पीएमसी वार्ड जहाँ 27 बिस्तरों का व्यवस्था रखी गई है, 60 से अधिक माताएं और उनके बच्चे हैं। इनमें अधिकांश 70% से अधिक बच्चे जो है और माताएं जो है पीएससी से आई हुई है, सीएससी से आई हुई है, जिनमें नॉर्मल डिलीवरीज है। ये नॉर्मल डिलीवरीज जो है उन अस्पतालों में भी हो सकती थी जो वहाँ न होकर यहाँ हो रही है, और वहाँ के बिस्तर जो है अभी भी खाली हैं। ये नॉर्मल डिलीवरीज वहाँ हो तो ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती है, क्योंकि 27 से आगे जो है 60 बच्चों को देखना और उनको व्यवस्था देना थोड़ा दुष्कर कार्य है।